हेलो एवरीवन, दिस इज रोशिफ एंड यू आर वाचिंग यूआई डेवलपर कोड। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है क्लिप पाथ विद शेडो। जब हम कोई शेप बनाते हैं क्लिप पाथ की हेल्प से और उस पर जब हम कोई शेडो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो शेडो अप्लाई नहीं हो पाती, या फिर जब जो शेडो अप्लाई होती है वो एक एज अ बॉक्स अप्लाई होती है, तो इसके सोल्यूशन के लिए हम कैसे शेडो लगाते हैं आज हम वही सीखने वाले हैं। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो डालें आप उसको सबसे पहले देख सकें। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्लिप पाथ विद शेडो, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मेरी ये HTML की फाइल है और यहाँ पर ये CSS की फाइल है, सिंपल बेसिक CSS लिखी हुई है। तो सबसे पहले एक लेबल बना लेते हैं जिसपे मैं एक क्लिप पाथ की हेल्प से एक लेबल बनाते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ उस पर शेडो कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ एक लेबल लेता हूँ डिस्काउंट नाम से, इसकी हम CSS लिख लेते हैं। यहाँ पर विड्थ ले लेते हैं 200 पिक्सल, हाइट ले लेते हैं 60 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज ले लेते हैं ऑरेंज। यहाँ पर मैंने पैडिंग, बॉडी पे पैडिंग लगाई हुई है ताकि ये मैं डिस्काउंट बना रहा हूँ, थोड़ा सा मिडिल में गया है। इसको सेव करके देखते हैं चला गया। तो यहाँ पर ये आ गया, डिस्काउंट आ गया। अब मैं इसकी एक शेप बना लेता हूँ, एक पॉलीगन ले लेता हूँ क्लिप पाथ और इसकी पहले शेप बना लेता हूँ, फिर उसके बाद शेडो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्लिप पाथ ले लेते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक मेरी एक क्लिप पाथ वाली वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैं पॉलीगन ले लेता हूँ, तो इसकी शेप बना लेते हैं एज अ डिस्काउंट लेबल वाली में शेप बनाने वाला हूँ, तो फटाफट उसकी पहले शेप बना लेते हैं। तो सेव करके देखते हैं। तो देखिए, मेरी ये क्लिप पाथ की आपसे शेप बन गई है। अब इस पर मुझे एक शेडो अप्लाई करनी है। शेडो कैसे अप्लाई करते हैं क्लिप पाथ पर, तो वो देखते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो मैंने ये डिस्काउंट बनाया है इसको एक रैप में ले लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको रैप पर लूँगा तभी एक शेडो अप्लाई हो पाएगी। तो इसको रैपर में ले लेता हूँ, इसमें इस पेपर पर पहले शेडो अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए आप, ये जितनी बड़ी डिप का एरिया है उतनी ही एरिया पे एक शेडो अप्लाई हो रही है, पर हमें ऐसे शेडो अप्लाई ऐसे नहीं करनी है। हमें जहाँ पे हमने शेप बनाई है सिर्फ वहाँ पे शेडो अप्लाई करनी है। उस प्रॉपर्टी को देखते हैं, वो प्रॉपर्टी कैसे होती है, कैसे वर्क करती है। तो सिंपली जैसे हमने यहाँ पर शेडो बनाई है, वो शेडो ऐसे शेडो नहीं होती, वहाँ पे हमें फ़िल्टर लगाना पड़ता है, फ़िल्टर के हिसाब से हम वो शेडो बनाते हैं। तो गाइज, अगर हमें क्लिप पाथ की शेप पर अगर कोई शेडो लगानी है तो हमें एक प्रॉपर्टी होती है फ़िल्टर, फ़िल्टर को यूज़ करना होगा। फ़िल्टर में एक प्रॉपर्टी होती है ड्रॉप शेडो, तो हमें यहाँ पर ड्रॉप शेडो यूज़ करना होगा तभी हम क्लिप पाथ पर शेडो अप्लाई कर पाएंगे। तो सेम जैसे मैंने बॉक्स शेडो में प्रॉपर्टी ली थी, ऐसे ही सेम यहाँ पर भी ले लेते हैं 10 पिक्सल और ब्लैक। तो सेव करके देखते हैं कि वर्क करता नहीं करता है। देखिए गाइज, यहाँ पर शेडो अच्छे से अप्लाई हो गई है। तो जब भी हम कोई क्लिप पाथ पर शेडो लगाना चाहेंगे तो हमें फ़िल्टर प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी, क्योंकि हम जब भी बॉक्स शेडो अगर लगाएंगे तो बॉक्स शेडो जितनी भी हमारी पूरी डिप बन रही होती है, पूरी डिप पर बॉक्स शेडो अप्लाई हो जाती है। अगर हमें किसी शेप पर जहाँ पर जितनी इतनी शेप बन रही है सिर्फ उस एरिया में शेडो अप्लाई करनी है, तो हमें फ़िल्टर जो हमारी प्रॉपर्टी होती है ड्रॉप शेडो, यही अप्लाई करनी होगी। बॉक्स शेडो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ पर जो फ़िल्टर की प्रॉपर्टी होती है ड्रॉप शेडो, उसको डिफरेंट शेप में बनाकर हम यूज़ कर सकते हैं। जो क्लिप पाथ के हम डिफरेंट शेप्स बनाते हैं वहाँ पर इजीली हम फ़िल्टर की हेल्प से ड्रॉप शेडो बना सकते हैं। यहाँ पर आप शेडो को चेंज भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं 4 पिक्सल करता हूँ इसको, मतलब जैसे मर्जी आप करना चाहे कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे बॉक्स शेडो में प्रॉपर्टी होती है सेम, यहाँ पर भी फ़िल्टर जो ड्रॉप शेडो है यहाँ पर भी हम सेम वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैं ये ले लेता हूँ तो हल्की ड्रॉप शेडो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप डिफरेंट शेडोज़ और डिफरेंट शेप्स बनाकर उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।
ताकि जब भी हम कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो डालें आप उसको सबसे पहले देख सकें। और अगर गाइज आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी माइंड में आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।